The benches of a gallery in a cricket stadium are 1 meter wide and 1 meter high. A batsman strikes the ball at a level 1 meter above the ground and hits a mammoth sixer. The ball starts at 35 meters per second at an angle 53 degrees with the horizontal. The benches are perpendicular to the plane of the motion and first bench is 110 meters from the batsman. On which bench will the ball hit? तो मान लो ये हो गया आपका बैट्समैन, ये है ग्राउंड और जो हीट करेगा वो करेगा 1 मीटर अबव। तो मान लो ये हो गया आपका 1 मीटर एंड इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 35 मीटर पर सेकेंड एंड दिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज थीटा इज 53 डिग्री। तो जो फर्स्ट स्टेयरकेस है वो है 110 मीटर फ्रॉम द बैट्समैन, कुछ इस तरीके से है। तो मान लो बॉल कुछ इस तरीके से गया या और यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो ये जो हाइट होगी वो ये हो गया, इस पोजीशन से आपका प्रोजेक्शन हो रहा है। तो मान लो कि यहाँ से ये जो टोटल बेंच है वो है टोटल एन नंबर ऑफ बेंच, टोटल एन नंबर ऑफ बेंच। तो यहाँ पे जो विड्थ है बेंच की वो है 1 मीटर और ये जो हाइट है That one also 1 meter. तो ये जो ये height हो जाएगा आपका n into 1, that is your n meter. So here you can write equation of trajectory. So equation of trajectory, that is your y is equal to x tan theta minus x square g sec square theta divided by 2 u square. तो y, यहाँ पे y होगा क्या, अभी अगर हम इसी को रेफरेंस ले लें तो y हो गया आपका n, x हो जाएगा आपका 110 प्लस n इंटू 10, थीटा इज 53 डिग्री देन 10 53 डिग्री, ये होता है आपका 4/3 एंड sec 53 ये होगा आपका 5/4, cos 53 होता है sorry 3/5, cos 53 is 3/5 then sec 53 is 5/3, तो tan theta हो गया आपका 4/3 minus x square is 110 plus n whole square g is 10 then sec square theta, तो ये होगा आपका 25/9 डिवाइड बाय 2 u स्क्वायर दैट इज 35 into 35। तो अभी इसको सॉल्व करो देन n इज इक्वल टू ये हो गया 440/3 प्लस 4n/3 माइनस, तो यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 2 ये हो गया आपका 2 5 7 7 5, तो ये हो गया आपका 5/7 × 7 × 9 दैट इज योर 4 4 1 110 प्लस एन होल स्क्वेयर इज 110 स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस 2 2 0 n. Now solve this equation. If you solve this one, so multiply 3, then this is your n is equal to 440/3 plus 4n/3 minus 5 110 square divided by 441 minus n square 5n square by 441 ये भी माइनस होगा माइनस 5 × 220 n डिवाइड बाई 441। तो इसको बस सॉल्व करना है
क्रॉस वाइड कर लो 4-4-1 से, तो ये हो जाएगा आपका अभी 4-4-1 n इज इक्वल टू 4-4-0 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4-4-1 प्लस 4 n बाई 3 इंटू 4-4-1 माइनस 5 इंटू 1-1-0 स्क्वेयर माइनस 5 n स्क्वेयर माइनस 1-1-0-0 n. देन फर्दर सॉल्व दिस वन, 3-4-4-1 कैंसिल, दैट इज 147, यू गेट 3, ये कैंसिल 147. सो सॉल्व दिस 4-4-1 एंड माइनस, अभी लेफ्ट राइट साइड के टर्म को लेफ्ट साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका 5. जस्ट मिनट, यहाँ पे है आपका 1-1-0 एंड ओके, तो 4n इंटू 147 हो गया आपका 588n प्लस 5n स्क्वायर प्लस 1100 n इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 440 इंटू 147 माइनस 5 इंटू 110 स्क्वायर. इसको सॉल्व करके देखो तो ये होगा आपका 441n प्लस 110n माइनस 5889, तो 953n प्लस 5n स्क्वायर इज इक्वल टू 4180. इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन देन n इज इक्वल टू 4.28. अच्छा, n इज इक्वल टू हो गया 4.28, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो जो हाइट होगा वो स्टेयरकेस स्टेयरकेस फ्रॉम दिस हाइट, अगर इस हाइट से मैं स्टेयरकेस की बात करूं, दैट इज योर एन नंबर, तो 4.28 है, तो आप क्या लोगे इसको 5. इफ एन इज इक्वल टू 5 देन हाइट क्या हो जाएगा, हाइट और नंबर ऑफ स्टेयरकेस, यहां पे लिखो नंबर ऑफ स्टेयरकेस, ये हो गया आपका नंबर ऑफ स्टेयरकेस, ये हो जाएगा आपका 4 n प्लस 1, n प्लस 1 दैट इज 5 प्लस 1 6. तो यहां पे मैंने n प्लस 1 इसलिए किया क्योंकि 1 मीटर हाइट है इस बॉल का, इनिशियल जो पोजीशन होगा बॉल का वो है आपका 1 मीटर हाइट पे, तो जो n है वो 1 मीटर हाइट से है, तो आपको ये 1 मीटर ऐड करना है, दैट इज योर फर्स्ट बेंच, सो टोटल नंबर ऑफ बेंच इज 6.